वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मेरा नाम है कुमार संभव जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनसत्ता.com। महाराष्ट्र की सियासत आजकल मीडिया की सुर्खियों में है। बीजेपी और शिवसेना की अंदरूनी कड़वाहट बार बार नजर आ रही है। सीएम पद को लेकर दोनों दलों के बीच ऐसी खाई खिंच चुकी है कि राज्य में जल्द सरकार बनने के आसार नजर ही नहीं आ रहे। इस बीच राज्य के किसान की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल उसने ये चिट्ठी महाराष्ट्र के गवर्नर को लिखी थी। इस चिट्ठी में किसान ने लिखा है कि जब तक शिवसेना और बीजेपी सीएम पद को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, तब तक मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए। पहले जानते हैं ये किसान कौन है। सीएम बनने की ख्वाहिश जताने वाले इस किसान की पहचान बीड जिला निवासी श्रीकांत विष्णु गडाले के रूप में हुई है। श्रीकांत ने चिट्ठी 31 अक्टूबर को मराठी भाषा में लिखी थी, जिसे उन्होंने गवर्नर के साथ साथ बीड जिले के कलेक्टर को भी भेजा था। किसान ने लिखा है, राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद बीजेपी और शिवसेना मुख्यमंत्री पद को लेकर आपसी विवाद सुलझा नहीं पा रही है। बेमौसम बरसात जैसी प्राकृतिक आपदाएं राज्य में पकी फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनकी वजह से किसान परेशान है। शिवसेना और बीजेपी सीएम पद के मुद्दे को सुलझा पाने में अक्षम है, तो मुद्दा सुलझने तक राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मुझे दे देनी चाहिए। मैं किसानों की समस्याएं सुलझाऊंगा और उन्हें न्याय दूंगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 105 सीटों पर जीत हासिल की है। राज्य में दूसरी बड़ी पार्टी शिवसेना है, जिसे 56 सीटें मिली। इसके बाद एनसीपी के पास 54 विधायक और कांग्रेस के पास 44 विधायक है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, तो कांग्रेस ने एनसीपी के साथ। चुनाव के नतीजे घोषित होते ही शिवसेना ने सरकार में 50-50 फॉर्मूले को लागू करने की बात कही। दरअसल शिवसेना चाहती है कि दोनों ही पार्टियां ढाई ढाई साल के लिए सीएम पद संभालें, लेकिन बीजेपी इस पर सहमत नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना को डिप्टी सीएम पद ऑफर कर चुकी है। साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी के 13 से 15 विधायकों को कैबिनेट में जगह देने के साथ साथ कई अहम विभाग सौंपने को भी तैयार है। हालांकि शिवसेना ने इस पेशकश को ठुकरा दिया है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि मत पालो इतना अहंकार, वक्त के सागर में कई सिकंदर डूब गए, लिख कर ले लो सीएम तो हमारा ही होगा। अब महाराष्ट्र में सीएम कोई भी बने, लेकिन बीड के इस किसान की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर शोर मचा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े और वीडियो देखने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।